Hello and good morning everyone. I welcome you all at Edverse IAS. Today is 10th November 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edverse IAS, link aapko description box mein provided hai. Make sure video ko last tak dekhen so that sari important news aapki yahan par cover ho. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, बिहार हाउस पासेस बिल रेजिंग सीलिंग ऑन कास्ट कोटा टू 65%. बिहार हाउस में एक बिल पास हुआ है, मतलब कि जिसके तहत ये कह सकते हैं कि उन्होंने एनिनमसली बिल को पास किया जिसके कारण रिजर्वेशन इंक्रीज किया गया है. किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के लिए. तो पहले क्या था, जो कास्ट आपका जो रिजर्वेशन है उसका कोटा ये था कि 50% था, है ना. 50% का ये जो कोटा था इसको उसने क्रॉस करके अब कितना हो चुका है, ये 65% यहाँ पर हो चुका है. एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो टोटल यहाँ पर दिखाया गया टुगेदर. इसमें आप देखेंगे ये तो सिर्फ कास्ट बेस्ड कोटा दिया जा रहा है कि 65% जो आपके ओबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, एसटी हैं, एससी है, उनको दिया जा रहा है. उसके साथ साथ प्लस इसमें जो हम बात करते हैं किसकी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली जो आपके वीकर सेक्शन है उसको भी ऐड कर दें, तो टोटल यहाँ पर 75% का क्या हो रहा है, आपका रिजर्वेशन दिया जा रहा है. आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. अब ये रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, ये किस आर्टिकल से यहाँ पर रिलेटेड, अगर आप लोगों को यहाँ पर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आ करेक्ट. हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं और हमें ये बताना है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन. जब यहाँ पर लोकसभा का प्रोरोगेशन होता है तो जितने भी बिल्स होते हैं, पेंडिंग बिल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके लैप्स हो जाते हैं. लैप्स का मतलब कि पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, अब उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है. सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बिन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. ना इस स्टेटमेंट को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, अ बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा. ओके, एक बिल है जो राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग है, लेकिन वो जो बिल है वो लोकसभा से भी पास नहीं हुआ है. आपको ये इस पॉइंट पर फोकस करना है कि दैट बिल हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा टू एंड इट इज पेंडिंग ऑन इन द राज्यसभा. सो शैल नॉट लैप्स, अगर यहाँ पर लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती, लोकसभा डिसॉल्व होना मतलब कि मान लीजिए उसका जो 5 ईयर का टर्म था वो पूरा खत्म हो चुका है, अब आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या वो बिल यहाँ पर लैप्स होगा या नहीं होगा, मतलब किसमें ये कहा गया कि वो बिल लैप्स नहीं होगा. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट. आपके पास ऑप्शन है वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू. तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. पहले वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें. वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देखें. नाउ सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत 1907. हम ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये फर्स्ट वाला आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है. ओके, दिस इज पॉलिटी का है और ये मॉडर्न हिस्ट्री. हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस. सूरत में 1907 को क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपस में स्प्लिट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है. इसका मेन रीजन हमें यहाँ पर देना है. We have to give a main accurate reason why the Indian National Congress split in the Surat session. Okay, so आपके पास option क्या क्या है, introduction of communalism into Indian politics by Lord Minto. जो Lord Minto थे उनके द्वारा communalism का introduction होता है कहाँ, आपकी Indian politics में communalism ज़्यादा आने लगता है क्या इस वजह से. Second है extremist lack of faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. एक आपके दो ग्रुप थे, आप सभी को पता होगा, एक extremist और दूसरे moderates. Moderates मतलब कि थोड़ा शांतिपूर्वक काम करने की बात करते थे कि हमें पीसफुली क्या करना चाहिए, बातचीत करके, है ना, इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना चाहिए. दूसरी तरफ आपका सेकंड ग्रुप था कौन सा, एक्सट्रीमिस्ट का. एक्सट्रीमिस्ट मतलब यहां पर हर एक चीज, जैसे कि हम प्रोटेस्ट करना चाहिए, यहां पर लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, इस तरीके से बहुत ज्यादा वो एक्सट्रीम थे आप ऐसा कह सकते हैं. तो एक्सट्रीमिस्ट लैक
of faith in the capacity of moderates to negotiate with the British government. क्या ये reason था जिसकी वजह से Indian National Congress में split होता है 1907 में. Third one is foundation of Muslim League. Muslim League का foundation होता है, foundation है. For last one is Aurobindo Ghosh inability to elect as a president. Aurobindo Ghosh inability to elected as president of the Indian National Congress. यहाँ पर जो Aurobindo Ghosh थे वो Indian National Congress के president elect नहीं हो पाए थे. तो क्या ये reason था due to that Indian National Congress Surat session में उसका split होता है. तो इसका main reason क्या है आप लोगों को comment section में comment करके बताना है. Now next move करते हैं. So next article, आज का हमारा पहला article है acknowledge India's economic success too. हम यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस की बात कर रहे हैं. अब देखिए इस आर्टिकल में अगर बात करें तो पूरा जो डेटा दिया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे मेजर्स लिए हैं कि आज इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनती जा रही है. अमंग द मेजर इकोनॉमीज की हम बात करें जैसे कि आपकी US की इकोनॉमी हो गई, यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, तो उसमें इंडिया भी एक क्या है आपकी एक मेजर इकोनॉमी आज के टाइम पर है. ओके हमारी जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 7.2% आफ्टर द पोस्ट कोविड की बात से देखिए तो हमारी जो ग्रोथ है ग्रोइंग रेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव रही है ईयर ओवर ईयर एट 7.2% द फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024 द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड प्रोजेक्ट इंडियाज ईयर ओवर ईयर ग्रोथ एट 6.3%. इसमें IMF ने ये प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वो कितनी होगी 6.3% तक होगी. इसके साथ साथ आज के टाइम पर हम देखें तो इंडिया बिकेम द फास्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एंड 2027 तक वी विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी. ये IMF के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है कि इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2027. ओके अब यहाँ पर जैसे कि हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इकॉनमी में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये हो रहा है या तो इंटरनेशनल जो आपका मार्केट है, इंटरनेशनल स्फेयर है, वहाँ पर आपकी जो डिमांड है आप प्रोडक्ट्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, या फिर आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे आपकी डिमांड्स क्या हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं. क्योंकि जब डिमांड जनरेट होती हैं तो क्या होता है आपका प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन होता है तो अल्टीमेटली किसको लीड करता है आपकी इकॉनमी की ग्रोथ में यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करता है. सो हियर यू विल सी कि एज इकॉनमी एज लार्ज एज दिस एंड ग्रोइंग रैपिडली कैन नॉट बी कैरेक्टराइज बाई वीक डोमेस्टिक डिमांड. यहाँ पर जो हमारी ग्रोथ हो रही है तो अगर हमारा डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर वीक होगा, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर वीक होगी, तो हम किसी भी इकॉनमी की जो ग्रोथ है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें ग्रोथ नहीं देख सकते हैं. सो पर्टिकुलरली व्हेन एक्सटर्नल डिमांड्स ग्रोथ हैज़ बीन अनइवन एंड सर्टेन. यहाँ पर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारी जो एक्सटर्नल डिमांड्स हैं वो कैसी हैं, अनइवन है और अनसर्टेन है, बट हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो कैसी हैं, अभी वीक नहीं है. इसी के कारण हम यहाँ पर ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अब COVID-19 आती है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं आफ्टर द COVID-19 जो हमारा पीरियड है पोस्ट COVID-19, यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारी जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. अब यहाँ पे पूरा डेटा दिया गया कि आपका 1991 में आपका लिबरलाइजेशन LPG रिफॉर्म्स होते हैं उसके बाद हमारी इकॉनमी में थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलता है, बट इन 2007 and 2008 में क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड यहाँ पर पूरा फेल हो जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं जिसके कारण जो पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी होती है उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई देती है, बट उसके बाद फिर से देखते हैं कि हमारी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ होती है. 2014 में यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है और उस गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे, लाइक पब्लिक जो कैपिटल अकाउंट था, इन्वेस्टमेंट रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो थी. तो 2014 में जो गवर्नमेंट आई उनको बहुत सारे जैसे कि चैलेंजेस थे, फिजिकल डेफिशिट, हाई इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिशिट का जो गैप था बहुत ही ज़्यादा हाई था, तो इन सारी चीज़ों से भी क्या करना था, डील करना था. उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारी वीक हो रही थी, इंडियन इकॉनमी का जो एक पोटेंशियल था सेकेंड डिकेड में वो बहुत ही कम था, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ ईयर्स व्हेन क्रूड ऑयल प्राइस ड्रॉप इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस एंड सपोर्टेड हाई ग्रोथ. यहां पर कुछ सालों बाद क्या होता है कि आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस होता है वो ड्रॉप होता है, तभी हम ये थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि जो हमारा ट्रेड बैलेंस था वो इंप्रूव होता है और हमारी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी यहां पर अच्छी होती है. फिर यहां पर ये कहा गया है जो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, गवर्नमेंट 2014 में आपकी जो न्यू गवर्नमेंट आती है उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने मीडियम टर्म में देखा द न्यू गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स टू लिफ्ट इकॉनमी ऑन अ हायर ग्रोथ पाथ इन मीडियम टर्म. मीडियम टर्म में जैसे कि आपका लिबरलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्टी क्रोड को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया इन 2015 में,
जिससे हम क्या कर सकें, जो आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इन बैंकिंग सेक्टर, उसको हम कम कर सकें। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, किसी ने यहाँ पर लोन लिया, एक्स वाई जेड पर्सन ने यहाँ से ए बैंक से क्या किया, लोन लिया, लेकिन उस लोन को उसने क्या किया, पूरा फुलफिल नहीं किया, चुकाया नहीं, है ना, पे नहीं किया, तो ये क्या हो जाता है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। मतलब कुछ यहाँ पर मान लीजिए कि पे कर दिया हो बट पूरा लोन पे ना किया हो, तो दैट इज़ कम अंडर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे बैंकिंग सेक्टर में, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए IBC इंट्रोड्यूस किया गया इन 2015 में। यहाँ पे आपका डीमोनेटाइजेशन होता है टू रिड्यूस ब्लैक मनी। उसके बाद 2017 में आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आते हैं। नाउ 2019 में यहाँ पर जो कॉर्पोरेट रेट टैक्स होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है। कॉर्पोरेट जो रिजर्व्स होते हैं उसको इंक्रीज किया जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर उसको लिवरेज प्रोवाइड की जाती है ताकि और ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो सके। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके तहत, मतलब कि कुछ मेजर्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे हम कह सकते हैं कि आज जो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, ड्यू टू दैट रीज़न ये यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया है, उसमें हमने 13.5 करोड़ जो इंडियंस है एस्टिमेटेड टू हैव स्कैप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2015 से 16 लेकर 2019 एंड 21 में आप देखेंगे तो नीति आयोग की उस रिपोर्ट में ये कहा कि आपकी जो पॉवर्टी लेवल है इंडिया में, उसमें 13.5 करोड़ इंडियंस क्या हो रहे हैं, कमी उनमें आई है, पॉवर्टी लाइन से वो बाहर आ चुके हैं। हमने फर्दर हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसी की जो बेसिस थे एमिनिटीज, हमने यहाँ पर जो रूरल लिविंग स्टैंडर्ड से उसमें टेंजिबल हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या रूरल लाइफ के साथ साथ रूरल लाइफ को यहाँ पर एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, कवरेज अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वेरियस हेल्थ रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, इंस्टीट्यूशनल बर्ड्स, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, ऑल ये मतलब सारी चीज़ों क्या की गई हैं, हमने प्रोवाइड की हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नंबर्स में ग्रोथ हो रही है, एक्चुअल रियलिटी में भी देखा जाए ग्राउंड लेवल पर भी यहाँ पर काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। इवन जो आज के टाइम पर हमारा जो हमारी फूड बास्केट होती है, पहले अगर हम देखते तो फूड बास्केट में हमारा न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन आज के हम प्लेट हमारी देखते हैं, फूड बास्केट देखते हैं, तो इट इज़ मोर न्यूट्रिशियस टुडे देन एवर। आज के टाइम को ज़्यादा न्यूट्रिशियस है इन कंपैरिजन टू अदर डेज। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कि नाउ इफ एक्सपर्ट रियलाइज दैट इट इज़ ओके टू एक्नॉलेज सक्सेस एज इट इज़ टू ड्रॉ अटेंशन टू शॉर्ट कमिंग्स, द क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स विज कैच अप विद द इंडियंस इकॉनमी प्रोग्रेस। तो यहाँ पर क्या है, हमें हमारी जो पब्लिक डिस्कोर्स है, क्वालिटी है, अगर हम इसको क्या करते हैं, ये जो जितने भी शॉर्ट कमिंग्स है उसमें अपनी अटेंशन को ड्रॉ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की क्या होगी, प्रोग्रेस यहाँ पर होगी। यहाँ पर आपको ये नहीं करना होगा कि हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हमें जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है उसकी क्वालिटी को बस इम्प्रूव करना है और जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको यहाँ पर फुलफिल करना है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस आर्टिकल की बात करते हैं, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेमेन इन रेड, अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जहाँ पर ज्यूडिशरी को क्या करना पड़ता है, एक हार्श एक्शन लेना ही पड़ता है। सो ओनली इन अनसीइंग वर्ल्ड वुड द ज्यूडिशरी नीड टू सेट द गवर्नमेंट अ डेडलाइन टू डू ऑब्वियस। तो कई बार गवर्नमेंट क्या होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती है, वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती है। इसलिए कौन आता है, यहाँ पर ज्यूडिशरी आती है, और ज्यूडिशरी क्या करती है, यहाँ पर सेंटर को, आपको गवर्नमेंट को यहाँ पर डेडलाइंस प्रोवाइड करती है ताकि गवर्नमेंट यहाँ पर जल्द से जल्द उस चीज़ पर एक्शन ले सके और काम कर सके। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर को 4 वीक्स का क्या दिया है, टाइम दिया है टू ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए। इसका मेन फोकस मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी का मेन फोकस ये है कि हमें क्या करना है, सैनिटरी नैपकिन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर मेनली फोकस होना चाहिए। सो आर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ फर्दर डायरेक्टर द गवर्नमेंट टू सेट डाउन अ नेशनल मॉडल फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट पर फीमेल पॉपुलेशन। ये भी कहा है इस पॉलिसी के अंडर कि आपको जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन है उस बेसिस पर जो टॉयलेट्स हैं उन्हें फंक्शनल बनाना है अक्रॉस द गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल्स इन द कंट्री। जितने भी आपके गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी यहाँ पर रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं कंट्री में, वहां पर आपकी टॉयलेट की क्या होनी चाहिए,
टॉयलेट का प्रोविज़न होना चाहिए, व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलरली हम यहाँ पर ये जो एज होती है, हम देखते हैं जो ये मेंस्ट्रुएशन है वो रियलिटी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ठीक है, ये नेचुरली इवॉल्व होता है। तो इसके कारण क्या होती है, हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन किससे डील कर रही है, मेंस्ट्रुएशन से डील कर रही है। क्यों? क्योंकि आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में वेमेन इंक्लूड है, ओके, सो उनको मेंस्ट्रुएशन होता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर 12 टू 24 में ये जो एज होती है, इस टाइम पे जो स्कूल गोइंग्स हमारी गर्ल्स होती हैं, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो स्कूल जाती हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनके पास नैपकिंस नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुअल पैड्स नहीं होते हैं, यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं होते, जिसके कारण वो स्कूल को क्या कर देती हैं, ड्रॉप आउट कर देती हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो स्कूल ड्रॉप आउट करने के लिए, ओके। तो इसमें ये सारी चीज़ों को मतलब कि बताया गया है कि हमें ये क्या करना है, इन सारी जितने भी हमारे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज हैं वहाँ पर विमेंस के लिए सेफ्टी और जितने भी हाइजीन है, क्योंकि ठीक है, नैपकिंस जो आपकी नैपकिंस है, मेंस्ट्रुअल नैपकिंस, वो प्रोवाइड कर देने से, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देने से आप जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर सकते। टॉयलेट एंड वाटर सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाती है, इसके साथ इंक्लूड होती हैं, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा आता है किसके द्वारा, फैमिली सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसमें ये कहा गया 73% ऑफ रूरल वुमेन एंड 90% ऑफ अर्बन वुमेन यूज हाइजीनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि 73% आज के टाइम पर 73% ऑफ रूरल वुमेन एंड 90% अर्बन वुमेन आज के टाइम पर क्या कर रही हैं, हाइजीन मेथड्स यूज कर रही हैं फॉर मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन। मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन के लिए दे आर यूजिंग हाइजीन मेथड्स, ओके। पहले ये जो नंबर था जब हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 हुआ था, उसमें ये जो नंबर था वो कितना था, 58%, ये इंक्रीज होकर टोटल कितना हो चुका है, 78% यहाँ पर हुआ है। तो मतलब यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस आ रही है, हम ज़्यादातर यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर धीरे धीरे जो रिसीव है, इसको रिसीव करने से जितनी भी स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं वो आजकल ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हम सारी जो पॉलिसी सुविधाएं हैं, है ना, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके कारण उनको क्या हो रहा है, सो द irrefutable link has been established between menstruation and dropping out of school because of stigma and a patchy or no access to sanitation in terms of access to product, toilets and water. That little has been done to address this all these years leads to colossus. तो यहाँ पर ये कहा है कि एक स्टिग्मा अटैच होता है किसके साथ, मेंस्ट्रुएशन और ड्रॉपिंग आउट स्कूल के साथ। मतलब अगर आपको लड़की को मेंस्ट्रुएशन है, उसको पीरियड्स होते हैं, तो वो क्या कर देती है, स्कूल ड्रॉप आउट कर देती है। क्यों ड्रॉप आउट कर देती है, क्योंकि यहाँ पर उसको प्रोडक्ट्स का एक्सेस नहीं मिल पाता, यहाँ पर टॉयलेट्स का एक्सेस नहीं होता है, वाटर का एक्सेस यहाँ पर नहीं होता है। तो अभी फर्दर हम देखते हैं इसमें आगे क्या निकल कर आता है। तो मेन हमारा यही है कि आपका जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये आपकी रियलिटी है, ठीक है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इस रियलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज, जो आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है उसे मेंस्ट्रुएशन होता है, ओके। तो अगर आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर घर बैठ जाएगी, तो फिर हमारी इकोनॉमी, हमारी जो कंट्री है उसमें ग्रोथ और प्रोग्रेस कैसे हो पाएगी, ओके। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, Why has the government issued our directives on defects? यहाँ पर government ने defects में issue कुछ directives issue किए हैं, वो क्यों किए, इसका reason आप सभी को पता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो एक्ट्रेस थी रश्मिका जी, और इवन कैटरीना कैफ का भी आप नाम ले सकते हैं, उनके कुछ ऑनलाइन वीडियो यहाँ पर सर्फेस हुए थे, ठीक है। तो इसी के चलते अब हमें ये पता करना है, वॉट इज डीप फेक। डीप फेक्स क्या होते हैं? डीप फेक्स हैव बीन अराउंड सिंस 2017 एंड रिफर्स टू अ वीडियो, ऑडियो और इमेज क्रिएटेड यूजिंग अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड डीप लर्निंग। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या करते हैं, जो आपके वीडियोज होते हैं, ऑडियोज होते हैं, इमेजेस होती हैं, उसे हम मॉडिफाई करते हैं, उसे यहाँ पर डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसे डिस्टॉर्ट करते हैं, ऐसे मॉडिफाइड करते हैं कि इट लुक्स रियल, वो एकदम रियल लगता है, ठीक है। अब इसका ज़्यादातर क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा अब मिसयूज़ हो रहा है। जैसे मिसयूज़ में आप एग्जांपल ले सकते हैं, अभी रिसेंट में जो वायरल वीडियो था रश्मिका मंदानन का एंड कैटरीना कैफ का, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जो AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर्स होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के जो फेसेस होते हैं उनकी, सेलिब्रिटीज़ के फेसेस को वो क्या करते हैं, जो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ होते हैं उनकी बॉडीज में वो इम्पोज कर देते हैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये मतलब कि प्रॉब्लमेटिक है, कितना ज़्यादा ये हमारे लिए इसमें देखा जाता है। मेनली जो फेक कंटेंट होते हैं, है ना, मॉफ ऑडियो विजुअल्स क्लिप्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, उसको क्रिएट किया जाता है। सो रिसर्चर्स हैव ऑब्जर्व 230% इंक्रीज अ डीप फेक यूजेस बाय
साइबर क्रिमिनल्स एंड स्कैमर्स। यहाँ पर एक रिसर्चर के द्वारा रिसर्च की गई, उसके द्वारा ये बताया गया कि जो डीप फेक्स का यूज़ है बाय साइबर क्रिमिनल्स एंड स्कैमर्स वो 230% क्या हो चुका है, आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है एक तरीके से हमारे लिए जितनी ज़्यादा यूजफुल है, जितने ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं डीप फेक्स के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उतने ही ज़्यादा क्या है इसके नुकसान भी हैं। अभी डीप फेक टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करके जिसके पास अच्छी मशीन लर्निंग है, ओके, यहाँ पर जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क है, इसका यूज़ करके हम चीज़ों को मॉडिफाई, इमेज को, वीडियो जो क्लिप्स होती है उसको मॉडिफाई यूज़ किया जाता है। मेनली इसका यूज़ जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और जिसका माइंड यहाँ पर आप कह सकते हैं आप किसी से खुश नहीं है, है ना, या फिर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, आपकी किसी से दुश्मनी है और आपको इसके बारे में नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये जो फॉर्जरी है ये यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडिया में क्या लॉ है, सो इंडियाज आईटी रूल 2021 रिक्वायर्ड दैट ऑल कंटेंट रिपोर्टेड टू बी फेक और प्रोडक्ट यूजिंग डीप फेक टू बी टेकन डाउन बाय टू इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म विद इन 36 आवर्स। अब इसमें हमारा जो आईटी रूल 2021 है ये कहता है कि कोई भी ऐसा फेक वीडियो और सारी चीज़ें आती हैं तो जो इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म होते हैं, मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म में उसे पब्लिश किया गया है, तो विद इन 36 आवर्स उसे क्या करना होगा, वहाँ से हटाना होगा, उसे वहाँ से क्या करना होगा, टेकन डाउन करना होगा। इवन हमारा जो सेक्शन 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है एंड द आईटी रूल ऑफ 2021 ऑल्सो प्रोहिबिट होस्टिंग एनी कंटेंट दैट पर्सनेट अनदर पर्सन एंड रिक्वायर सोशल मीडिया फॉर्म टू टेक डाउन आर्टिफिशियली मॉफ्ड इमेज वैन अल्टर। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 66D है वो भी क्या कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी ऐसा कंटेंट यहाँ पर पोस्ट नहीं करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपको तुरंत ही क्या करना होगा, उसे टेक डाउन करना होगा। तो ये लोग डीप फेक्स क्रिएट करते क्यों हैं, तो मेनली ये है कि टू इंसाइट पॉलिटिकल वायलेंस, जो आपके जो पॉलिटिक्स नेता होते हैं, है ना, जो एम पी एमएलएज होते हैं, नेता होते हैं, कई बार क्या होता है जो हमारी आपस में दुश्मनी होती, तो पॉलिटिकल वायलेंस को इंसाइट करने के लिए क्या होता है, कई बार हम ऐसे वीडियोस और जो इमेजेस होते हैं उसको क्रिएट कर देते हैं। सबवॉटेज इलेक्शन, अनसेटल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, तो इसमें हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। फिर हाउएवर डीप फेक्स हैव पॉजिटिव यूजेस एज वेल, यहाँ पर डीप फेक्स के पॉजिटिव यूजेस भी हैं, बट लोग इसके जो नेगेटिव साइड्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो हाउ हैव अदर कंट्रीज रिएक्टेड, यहाँ पर अदर कंट्रीज का इसका क्या रिएक्शन डीप फेक्स में, सो यूरोपियन यूनियन ने अभी क्या किया है, जो इंडिपेंडेंट नेटवर्क है फॉर फास्ट चेक टू हेल्प एनालाइज एंड सोर्स एंड प्रोसेसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, यहाँ पे इसका सोर्स क्या है सारी चीज़ों को उसका फास्ट चेक के लिए यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्रिएशन किया है, ताकि उसका क्या किया जाए, फास्ट चेक किया जाए। और द यूएस हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द बाय पार्टीशन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट टू काउंटर डीप फेक टेक्नोलॉजी। यूएस ने क्या किया, यहाँ पर डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सके, आई होप आपको यहाँ मतलब कि काउंटर कर सके। सो आई होप आपको ये यहाँ पर आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आपके यहाँ पर कुछ छोटी छोटी न्यूज़ आ जाती हैं। सो आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूज टू फेस ग्लिचेस। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा, आधार ऑथेंटिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। प्रॉब्लम्स कैसी आ रही, कई बार आधार ऑथेंटिकेशन जो आपका KYC होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपकी आईज का स्कैनर होता है, आपका फेस का स्कैन किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी भी क्या होता है, कई जगह जब हम ये अपना ऑथेंटिकेशन करवाने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, कभी कभी वो आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं लेता है, फेस का ऑथेंटिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाता है। सो सर्विसेज वॉज अनअवेलेबल फॉर ओवर 54 आवर्स टिल सेप्टेम्बर दिस ईयर ड्यू टू इशूज सच एज डिले इन सेंडिंग OTPs एंड माइनर फ्लक्चुएशंस फेस बाय सर्वर नोडल एजेंसी UIDAI RTI रिप्लाई। तो RTI से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए गए कि मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने यहाँ पर ये कहा, जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उनको ये रिस्पॉन्स था कि जो UIDAI है, रिबूल है, कई बार क्या होता है कि वो जो आपका OTP होती है, वन टाइम पासकोड होता है, SMS होता है, उसमें बहुत सारा माल फंक्शन हमें देखने को दे रहा है और माइनर फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, और इससे हम ये जो डिस्ट्रप्शन है अब इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। ये क्या होता है, ड्यू टू टेक्निकल अनसर्टिनिटीज, यहाँ पर जो टेक्निकल अनसर्टिनिटीज हैं उसके कारण यहाँ पर होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे कि हम ATM मशीन में जाते हैं, है ना, और जो भी डेली एम्प्लॉयज होती हैं उनकी अटेंडेंस कई बार नहीं लग पाती, क्यों, क्योंकि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा, क्योंकि आजकल क्या हो चुका है, आपका सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, तो ये थोड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है। सो इन 2009 ओवर 100 बिलियन ऑथेंटिकेशन हैव टेकन प्लेस, 2009 में 100 बिलियन ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हुए, लेकिन आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन लाइक
हो ही नहीं पा रहा है. ओके, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट अटेंड्स फुल स्ट्रेंथ एज केस लॉक नियर 80,000. यहाँ पर अब क्या हुआ है, ऑन थर्सडे सुप्रीम कोर्ट की जो कैपेसिटी है वो अपनी फुल कैपेसिटी में आ चुका है. यहाँ पर टोटल 34 जजेस आपके आ चुके हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट 2000 मतलब कि अक्टूबर की बात करते हैं, तो इन अक्टूबर अलोन, सिर्फ अक्टूबर में, ओनली इन अक्टूबर यहाँ पर हमें 5000 केसेस दिखाई दिए हैं. कितने 5000 केसेस यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं, टोटल यहाँ पर 80,000 केसेस हो चुके हैं. तो ये जो 80,000 केसेस हैं, इन जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जा रहा है, तो अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो फुल हो चुकी है. जो नाम यहाँ पर रिकमेंड किए गए थे उन्हें यहाँ पर कॉलेजियम के द्वारा उन्हें यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया है. अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी फुल स्ट्रेंथ पर क्या करेगी, यहाँ पर काम करेगी. आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो न्यूज़ और आर्टिकल्स यहीं पर अब खत्म होते हैं. जो भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हमने डिस्कस कर ली. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा. अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लेस बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस. ओके, प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेसेस पेंडिंग बिफोर द हाउस. अ बिल लैप्स इन द फॉलोइंग कंडीशन, अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन अ रेजोल्यूशन ऑफ अ हाउस. अ बिल विल लैप्स फॉलोइंग कंडीशन. बिल यहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन पर क्या होता है आपका, लैप्स होता. अ बिल पेंडिंग इन अ राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. मतलब ये कह रहा जा रहा है इसमें कि बिल पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय द रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेस. प्रोरोगेशन डज नॉट अफेक्ट द बिल. प्रोरोगेशन यहाँ पे बिल को कोई भी अफेक्ट नहीं करता है. फिर आपका क्या जाता है, बिल दैट इज ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा एंड ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा बट इट इज पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस. तो इसमें कुछ कंडीशन दी गई कि बिल कब लैप्स होता है, कब लैप्स नहीं होता. तो देखिए, आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है और इस क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे कि क्या होगा इसमें. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को यहां पर देती हूं. व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907. तो इसमें मेन रीजन क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है. जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको मॉडरेट्स के ऊपर जो नेगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उस पर कोई भी भरोसा नहीं रह गया था, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में. सो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा. सो आप लोग इंश्योर करें आप इस क्वेश्चन का आंसर करें. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएगा. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.